लखनऊ में सीएमएस ने किया अद्भुत प्रोग्राम, खेल संगीत और कला का हुआ समागम, कैबिनेट मिनिस्टर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, मौके पर मौजूद रहे सीएमएस के फाउंडर, डॉक्टर भारती गांधी के जिंदा दिली अंदाज ने लूटा सबका अटेंशन। लखनऊ का सीएमएस स्कूल अपने बच्चों को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इन बच्चों को न सिर्फ लखनऊ बल्कि देश के बाहर यानी दूसरे देशों से आए हुए बच्चों के साथ भी घुलने मिलने और उनसे कंपटीशन करने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ताकि ये बच्चे उन देशों के कल्चर को भी समझ पाए। लखनऊ के जॉपलिंग रोड पर मौजूद सीएमएस कैंपस ने एक ऐसे ही प्रोग्राम का इंतजाम किया है, जिसमें लखनऊ के अलावा प्रदेश के कई जिलों और नेपाल सहित कई देश के स्कूली बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें खेल संगीत और कला का अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम का उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही ने किया। हमारी टीम ने भी प्रोग्राम का जायजा लिया, जहां खुद सीएमएस के फाउंडर डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी भी उपस्थित रहे। यहां न सिर्फ प्रिंसिपल शिप्रा उपाध्याय ने बच्चों और पेरेंट्स का मन मोहा, बल्कि डॉक्टर भारती गांधी ने भी स्टेज से लोगों को खूब एंटरटेन किया। यहां नेपाल से आए हुए बच्चों ने अपना जोश दिखाया तो कुछ छोटे छोटे बच्चों ने अपने डांस परफॉर्मेंस से सबका मन मोह लिया। पेश है हमारी टीम की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, आप देख रहे हैं कि लगातार भारती गांधी मैम और जगदीश गांधी सर लगातार बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस पर आपके कुछ शब्द हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये स्कूल अलग से क्या कर रहा है बच्चों के लिए जो बाकी स्कूल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बाकी स्कूल भी कर रहे हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी उस दिशा में प्रयास किया है। श्रीमान जगदीश गांधी जी और भारती गांधी जी ने दोनों ने मिल करके और लखनऊ के भीतर एक बेहतर और अच्छी शिक्षा लोगों बच्चों को मिले और उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उस दृष्टि से लगातार पिछले 65 वर्षों से उन्होंने प्रयास किया है। एक रेलवे स्टेशन रोड के ब्रांच से लेकर आज वो 22-23 ब्रांच उनके खुले हुए हैं, जिसमें से 59,000 बच्चे वहाँ उसके स्टूडेंट्स हैं। तो एक बड़ी संस्था है, यदि अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस न होता तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे आते, अभिभावकों का भरोसा कैसे बढ़ता, बच्चों के भीतर उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसके लिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ है स्पोर्ट्स और आर्ट्स और म्यूजिक का, यह एक सैम 2022 ओलंपियाड तो मैं एक अच्छा प्रस्तुति है और ये प्रयास है कि विभिन्न देशों और राज्यों के बच्चों को ला करके उनके भीतर खेल कला और संगीत के प्रति प्रतिस्पर्धा जागृत किया जाए और अच्छे परफॉर्मेंस कराया जाए। इनके कार्यक्रम बहुत अच्छे और सफल हुए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार को। हमारे साथ मौजूद है भारती गांधी मैम, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके लिए इस इतने बड़े फंक्शन को करने में कोई चैलेंजेस सामने आया नहीं। मैम, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको बच्चों का फंक्शन देख करके कैसा लगा? अरे, हम तो खुद ही बच्चे बन गए। मैम, ये बताइए कि आप बता रही हैं कि प्रोग्राम कैसा लगा, जब आप आ गई तो वैसा ही लगा जैसे आप देख रही हैं। बिल्कुल मैम, ये बताइए कि इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में, इतनी अलग अलग जगह से बच्चों के आने में, क्या किसी तरीके का चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? बस एक ही चैलेंज है कि आपके सामने बात करना पड़ रही है। मैम, ये तो आपकी बस कहने की बात है, आपका बड़प्पन है, लेकिन फिर भी मतलब हम सच में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, लखनऊ ही नहीं जब बल्कि बाहर से भी बच्चे आए हुए हैं, तो क्या ऐसा कोई भी चैलेंज सामने आया? सब यहाँ पे हमारा हॉस्टल है, 100 कमरे हैं, उसमें बच्चे रह रहे हैं, सब एयर कंडीशन कमरे हैं, सबको रजाई बिस्तरा सब दिया गया है, सबको खाना मिल रहा है। आप भी आइए, खाना खाइए, खाना खा के तब जाइए, खाना खाए बिना नहीं जाएंगी आप भी। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नेपाल से आए हुए केशव बिष्ट जी, जो कि उग्र तारा बाल विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये बताइए कि नेपाल से आप इतनी दूर यहाँ लखनऊ आए हैं, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर खास स्टूडेंट को लेके आए हैं, हमारे नेपाल से मेरे साथ साथ 3-4 स्कूल और भी आए हैं थ्रू आउट द नेपाल। हम यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए आए थे और यहाँ हमने और हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। दे आर वेरी हैप्पी बाय कमिंग हियर। ओके, और बहुत कुछ सीख रखा है, बहुत कुछ जान रखे हैं हमने, और यहाँ का जो होल इन्वायरमेंट है स्कूल का, इतना अच्छा स्वागत कर रखे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी है, और हम बहुत खुश हैं।
और बहुत कुछ सीखने के अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर मिला। सर आपसे एक सवाल और, आपने नेपाल के भी फंक्शंस देखे, स्कूल फंक्शंस बेसिकली, और अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आप एक स्कूल फंक्शन ही देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत अंतर है। नेपाल में ये जैसा क्या कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन का बात है ना, मानवता की बात सिखाई जाती है। और इससे पहले हम जो नेपाल में बैठते थे, विभिन्न बहुत धर्म है, सारे धर्म है ना, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान लोग, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते थे। लेकिन यहाँ पर आके हमने क्या शिक्षा लिया कि सब धर्म एक ही हैं, सबका स्पिरिचुअल जो मैटर है ना वो एक ही है, हम सब मानव एक हैं, हम सब मानव, सभी धर्मों को हमने इज्जत करना चाहिए, ये बात सीखा हमने यहाँ पर आके, ये बहुत खुशी लगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही है, तो क्या कोई कमी यहाँ पे खल रही है आपको नेपाल? 5-star होटल के बराबर का जो सुविधा हमको खान पीन बैठने के लिए 5-star होटल से कम नहीं है। इतना अच्छा यहाँ के पूरा टीम, पूरा प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट इतने कोऑपरेटिव हैं, हमने ये सोचा भी नहीं था यहाँ पर आके। मैं CMS टीम को, होल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। हम जब पहले यहाँ केसरबाग बस स्टेशन में आए, पूरा स्कूल का टीम वहीं पर पहुँचा हमको लेने के लिए। हम तो लखनऊ के में पहली बार आए थे ना, उतना पता नहीं था यहाँ का लोकेशन के बारे में, तो मैडम को हमने फ़ोन किया तो हमें लेने के लिए वहीं, हमें ही नहीं पूरा इंटरनेशनल टीम जो भी आ रहे हैं उनको लेने बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और ये एयरपोर्ट में वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा है, हम इतने खुश लग रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि अब बात ही नहीं, इसका कंपेरिजन और स्कूलों के साथ और प्रोग्राम के साथ करने के लिए वो नहीं है। सर आपकी खुशी देख करके तो ये लग रहा है कि अब ये स्कूल जितने भी बार आपको किसी भी कंपटीशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऐसे फंक्शन में बुलाएगा, तो आप यहाँ पे आना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। मैं ही अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ और स्कूल को भी लेके आऊंगा नेपाल से, और मेरे दोस्त के स्कूल हैं सारे नेपाल में, उन्होंने को भी लेके आऊंगा मैं यहाँ पर, मैं अकेले नहीं आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अभी हमने नेपाल के आए हुए पहले प्रिंसिपल से जाना कि आखिर उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है, और हमारे साथ अब यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ लखनऊ में आकर कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है यहाँ पर, आप लोग पहले यहाँ आइए, सब लोग आइए इधर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आगे भी बहुत अच्छा हो, तो सबसे पहले आपका नाम बताइए क्या है। माय नेम इज़ स्वर्णिमा कड़े। आप पहली बार यहाँ लखनऊ आई हैं या फिर इंडिया में? यस, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग सो जॉयफुल या। ओके, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम अमन बिष्ट है, मैं नेपाल से आया हूँ, बेलौरी कंचनपुर है। ये बताओ यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेनिसा है। ये बताओ यहाँ पर जो खान पान है, लोगों का बोल चाल है, वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा तो नहीं लग रहा है, मतलब घुला मिला सा लग रहा है, सबके साथ घुल मिल जा रहे हो? और यहाँ पर अच्छा लग रहा है या नहीं? लग रहा है। नेपाल में सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज विपना बडाल, आई एम फ्रॉम नेपाल। ओके, नेपाल के फंक्शंस भी आप देखते होंगे, स्कूल फंक्शंस, और यहाँ पर आकर के क्या थोड़ा सा अंतर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है वहाँ के मुकाबले या फिर वहीं पे ज्यादा अच्छा होता है? बोथ आर सेम। बोथ आर सेम, मतलब कुछ भी अलग नहीं लग रहा है? बोथ आर नाइस। अच्छा, अगली बार आपको जब यहाँ लखनऊ आने का मौका मिलेगा तो आप आएंगे या फिर आपको लग रहा है कि अरे नहीं यार ऐसा ही सब कुछ हो रहा है, क्या ही करना आगे? सिर्फ इनके टीचर ही नहीं बल्कि ये बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हैं, और इनका भी कहना है कि अगली बार जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी इनविटेशंस इनको लखनऊ की तरफ से जाएंगे, वो यहाँ पे आना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। हमारे साथ यहाँ नेपाल से कुछ और बच्चे जुड़े हैं जिनसे हम ये ही पूछेंगे कि आखिर इन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में भी और लखनऊ में भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुम्बुल ताज खान है और मैं भी नेपाल से हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप बताइए, आप मतलब इन बच्चों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्या है यहाँ पे, आप किस पर्पस से हैं? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हूँ। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का फंक्शन देखा, आपको अच्छा लगा, कुछ अलग सा यहाँ पे महसूस हुआ? Yes, we got the togetherness among the students and they were well cooperating with each other and the function was nice. ये बताइए यहाँ पर अगर मतलब भाषा समझ में आ रही है सबकी, लोग क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर से जा रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
Yes. अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो आगे कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, मतलब ये तो आपको पता है आपको मोस्टली ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि हिंदी में बात करेंगे आपसे, तो आप उनके साथ कम्पीट कर लेंगे, मतलब जिस भी कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए हैं आप? हाँ कर लेंगे, हम किसी से कम नहीं है। अच्छा ये बताइए आप इन बच्चों आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? Yes, मैं कर रही हूँ। अच्छा बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा है यहाँ के लोगों को देख करके कि अरे यार ये तो सारे इतने साथ एक जैसे हैं एक साथ और हम बिल्कुल अलग हैं, कुछ ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट लेवल है मेरा, हाई कॉन्फिडेंट आई है, मतलब कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा हुआ है, सब कुछ चीर फाड़ देंगे। यस आई हैव। अच्छा एक सवाल आप सबसे एक बार ये बताइए, अगर आपको फिर से मौका मिलता है यहाँ लखनऊ आने का, तो मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको एक बार लगेगा कि अरे यार कौन लखनऊ जाए इतनी दूर अपना घर छोड़ के अपना नेपाल छोड़ करके, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं होगा, मतलब जितनी बार भी बुलाया जाएगा सबके सब आओगे। मैम आप आगे आइए, आप इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं? ऑल दीज आर माय स्टूडेंट्स एंड आई एम द टीम लीडर ऑफ ऑल ऑफ दिस। मैम आपसे भी हम यही सवाल पूछेंगे कि इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते, इनको समझ में भी थोड़ा मतलब हिंदी थोड़ी कम समझ में आ रही, तो क्या बच्चों के कारण कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है कि बच्चों को कैसे ये चीज़ समझाई जाए, कैसे यहाँ के माहौल में ढाला जाए? नो आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज इफ दे डोंट अंडरस्टैंड एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो, सो दैट आई कैन ट्रांसलेट देम एज पॉसिबल। मतलब आप जो है बच्चों को एकदम सबके बराबर ला देंगे, किसी से कम नहीं महसूस होने देंगे। No. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन एंड ऑल। व्हाट इज योर नेम? आरिफ। इन विच क्लास डू यू रीड? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थ्री क्लास। अच्छा फंक्शन में कैसा लग रहा था वहाँ पे डांस करके? इधर देखो भैया को देखो, इधर कैसा लग रहा था वहाँ पे डांस करके? अच्छा लग रहा था। डर नहीं लग रही थी बिल्कुल? क्या नाम है आपका? सुकृत। सुकृत कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मोंटेश्वरी में। वहाँ डांस करके कैसा लग रहा था? अच्छा। मजा आ रही थी? अच्छा डांस करने में से पैर दुख रहे थे आपके? पैर नहीं दुखे बिल्कुल, मजा आई डांस करने में। अच्छा किसने सिखाया था? मैम ने। अब घर पे जाके क्या करोगे? सो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे? इन सब के बाद हमने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली सीएमएस की जॉपलिंग रोड कैंपस की प्रिंसिपल शिप्रा उपाध्याय से बात की और जाना कि आखिर इस प्रोग्राम को और इतने सारे बच्चों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था सीएमएस के जॉपलिंग रोड कैंपस ने, जिसकी प्रिंसिपल शिप्रा उपाध्याय मैम हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने में क्या कोई चैलेंजेस आपके सामने आए? मैम चैलेंजेस उनको चैलेंजेस ही मानते हैं, एक तो छोटे बच्चों को फोकस कराना किसी चीज़ पे, दूसरा उनका जब फोकस बन जाता है तो उनको ना कुछ गलत भी सीख लेते हैं तो उसको भुलवाना और फिर नया सही याद कराना, ये बड़ा चैलेंज था। दूसरा टाइम का चैलेंज था, क्योंकि एक तरफ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, स्टाफ हमारा क्योंकि हम छोटी ब्रांच है तो स्टाफ थोड़ा कम है, तो हम बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह के काम कर रहे थे। एक चीज और हमने देखी कि स्टेज पर बच्चे जहाँ परफॉर्म कर रहे थे वहीं उनके सामने टीचर्स कॉन्टिन्यूसली बिना रुके उन बच्चों के साथ सेम स्टेप्स कॉपी कर रही थी, तो ये चीज देखने में काफी अच्छी भी लग रही थी, तो इसके पीछे की वजह आप एक बार खुद बता दीजिए, जो कि हमें पता है बट फिर भी आप एक बार बता दें कि टीचर्स का कितना ज्यादा योगदान रहता है ऐसे परफॉर्मेंसेस के लिए। चाहे कुछ भी हो, अगर बच्चे की जिंदगी में अच्छे टीचर्स नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे का आगे बढ़ना, और ये जो टीचर्स है ना ये कॉन्स्टेंटली नर्चर करते हैं, पूरे समय बच्चों के साथ रहते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे इवन इन टीचर्स को ये पता होता है कि इस बच्चे के टिफिन में आज क्या आएगा, इस लेवल तक इनकी नॉलेज होती है स्पेशली छोटे वालों की। और छोटे वाले बच्चे ना अगर मैं भी निकल रही हूँ तो वो मुझे जानते नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ उनकी मैम इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो कनेक्शन है जो पर्सनल ये सिर्फ टीचर अच्छी टीचर क्रिएट कर सकती है, और टीचर्स स्पेशली छोटे बच्चों की टीचर्स को इतना एनर्जेटिक होना पड़ता है इन चीज़ों को, ये चैलेंजेस हैं। आजकल के बच्चे इतनी सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पास मोबाइल है टीवी है ये, तो टीचर अगर अच्छा है तो वो सारे फोकस को अपनी ओर लगता है एंड बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं।
मैम, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि बाहर, यहाँ तक कि भारत के बाहर के भी बच्चे आए हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इन बच्चों की वजह से या फिर कोई भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आ सकता है अचानक, क्योंकि बच्चे यहाँ के रहन सहन को नहीं जानते होंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन बच्चों के लिए बिल्कुल अलग ही होगी, तो क्या उसके मुकाबले आपको लगता है कि बच्चों के सामने या फिर आपके सामने उनके कारण कोई भी चैलेंज आ सकता है बड़ा? चैलेंज तो मुझे ये लगता है कि जब बच्चे यहाँ से वापस जाएंगे तो वो क्या मेमोरीज लेके जा रहे होंगे, क्योंकि वो एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम उनके लिए क्या ऐसा करेंगे जिससे वो खुश रहेंगे, वो इसको बार बार याद करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और वापस आने के इच्छुक होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम उनको ऐसी यादें दें कि उन यादों को याद करके वो कहें अगले साल हमें फिर सैम में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये फंक्शन बहुत अच्छे से पूरा हो जाए और आप जैसी भी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं उस पे बच्चे खरे उतरे। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ मैं किरण, न्यूज टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।